ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, श्रुतने अष्टकम नंबर टू, स्तवमाला रूपा गोस्वामी ने बुक लिखी है, उससे पढ़ रहे हैं। कलौ यम विद्वांस स्फुटम अभिजयंत द्युतिभराद कृष्णांगम कृष्णम मखविदिभिर उत्कीर्तयन्मयि उपासयम च प्राहुर्यम अखिल चतुर्थ आशरम जुषाम सदैव चैतन्याकृतेर अतितराम न कृपयतु। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि संकीर्तन यज्ञ के पितर हैं, श्लोक भी आते हैं संकीर्तन का पितर, वो मुझ पे कृपा करें। सो ऑफकोर्स हम किसी से कृपा मांगने के लिए पहले तो पहले ग्लोरीफाई करना पड़ता है, नहीं ऐसे तो नहीं कह सकते आप। प्रभुपाद कह रहे सिस्टम है, फर्स्ट ग्लोरीफाई देन आस्क। सो क्या ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं? कलौ यम विद्वांस स्फुटम अभिजयंते द्युति भरात, कह रहे हैं कि कलयुग में विद्वांसा, विद्वांसा मतलब होता है विद्वान लोग, वो चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, और अकृष्णांगम कृष्णम मतलब जो भगवान कृष्ण थे वही क्या कैसे वो वो क्या श्लोक है भागवतम का, कृष्णम कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम कृष्णा कृष्ण वर्णम, भगवान कृष्ण वर्णम मगर तुषा अकृष्णम, मगर अकृष्ण हो गए, सेम लिख रहे हैं यहाँ पर कृष्णांगम अकृष्णांगम कृष्णम। चैतन्य महाप्रभु कौन है? उनके अंग अकृष्णांगम है, गोल्डन है, मगर वो स्वयं कृष्ण है। मखा विधिभिर उत्कीर्तयन्मयि, और जितने भी स्कॉलर्स हैं कलयुग में, जितने भी विद्वान लोग हैं, हमारे गौड़ीय वैष्णव ही विद्वान है बाकी तो, या वैष्णव लोग, वो लोग इस कलयुग में मखा विधिभिर संकीर्तन यज्ञ की विधि के द्वारा उत्कीर्तयन्मयि, और कीर्तन के द्वारा महाप्रभु की पूजा और सेवा करते। That's what he's saying. उपास्यम च प्राहुर्यम अखिल चतुर्थ आश्रम जुषाम, और यही नहीं सिर्फ चतुर्थ आश्रम जुषाम, जो चतुर्थ आश्रम सन्यासी हैं वो भी सब चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यास शिरोमणि है। चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया नहीं था, चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास आश्रम को कृतार्थ किया है। ये कहना महाप्रभु ने सन्यास लिया है तो बिल्कुल ऑफेंस होगा, इसलिए जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने उनका डंडा तोड़ दिया, दंड भंग लीला वो इसलिए किया क्योंकि भाई नित्यानंद प्रभु बताना चाहते थे कि सन्यासी नहीं है ये, सन्यासी कहना महाप्रभु को वो तो उनकी बेइज्जती है। चैतन्य महाप्रभु ने तो सन्यास आश्रम को कृतार्थ किया है, जैसे राम अवतार में कृष्ण अवतार में गृहस्थ आश्रम को कृतार्थ किया, राम अवतार में वानप्रस्थ भी को कृतार्थ किया, सन्यास आश्रम में रह गया था ब्रह्मचारी वामन अवतार, सन्यास आश्रम में रह गया था। सन्यास आश्रम ने कहा भगवान से कि आप मुझ पर भी कृपा कीजिए, चैतन्य हमने कहा ठीक है इस अवतार में सन्यास तुम्हें तुम पे कृपा करूँगा। चरित्रम तनवाना प्रियम अघवदहा हलाधना पदम, चैतन्य महाप्रभु क्या, चैतन्य महाप्रभु वो बता रहे हैं कि उनका ये तो एक्सटर्नल बताया, उनका मूड बता रहे हैं, उनका मूड क्या है। प्रियम अगवत आह्लादना पदम, चैतन्य महाप्रभु अपने अंदर गोपी भाव का आस्वादन करते रहते थे। महाप्रभु ये बताने आए थे, वो शुरू में लोग समझ नहीं पाए, शुरू में तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे महाप्रभु गोपी गोपी नहीं बोल रहे थे, जब अपने घर में बैठ के तो उनके फ्रेंड्स बोल रहे थे क्या गोपी गोपी कर रहे हो बकवास, कृष्ण कृष्ण करो, उनको समझ ही नहीं आया कि महाप्रभु कर क्या रहे हैं। तभी चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, चलो
उनके कल्याण के लिए संन्यास लेना पड़ेगा, उन्हें इनको समझ नहीं आ रहा इन्हें कल्याण क्या ले आया हूँ, यही ऑफेंस करते जा रहे हैं। चतुर्थम तनवाना प्रियम अगवद अलहादना पदम, और इंटरनली वो अलहादन इंटरनली गोपी भाव रिलीज कर रहे हैं। जयोद घोषय सम्यक, और एक्सटर्नली घोष कर रहे हैं किसका, हरिनाम संकीर्तन का। ये टेक्निक है एक्चुअली हरिनाम करने की, एक्सटर्नली हम हरे कृष्णा करते हैं, इंटरनली भगवान का स्मरण करते हैं। आइडियली ये चैंटिंग है, चैंटिंग है नहीं आप हरे कृष्णा करते रहो और बस साउंड पे फोकस करते रहो, वो तो बिगनिंग है, वो एंड नहीं है वो। या आप हरे कृष्णा करते रहो और माइंड खाली कर लो, वो तो दैट समथिंग माइंड भी जुगाड़ है कुछ। अल्टीमेटली चैंटिंग है बाहर से हरे कृष्णा, अंदर से भगवान का स्मरण, और वो डिस्कनेक्टेड नहीं है, वो भगवान का नाम ही उस स्मरण को पोषित करता रहता है, उस स्मरण को बढ़ा इग्नाइट करता रहता है। ऐसे हम स्मरण करेंगे तो कहाँ स्मरण होगा, भगवान का नाम फ्यूल है जो उस स्मरण को चालू रखता है, ये असली चैंटिंग है। यहाँ तक हमें पहुँचना है। चैतन्य महाप्रभु ने यही सिखाया, इंटरनली गोपी भाव रिलीज कर रहे थे, एक्सटर्नली चैंटिंग कर रहे थे। और क्या बोल रहे थे, विरचिता सची शोक हरण, ये घोष नाद घोष करके हरे कृष्णा बोल के, और बोल रहे थे कि हे कृष्णा चंद्र, हे प्राणनाथ, आपकी जय। विभा गोस्वामी, विभा गोस्वामी ने लाइव देखा है महाप्रभु को, इट्स नॉट दैट ही वॉज ऑलवेज चैंटिंग हरे कृष्णा, हमेशा चैंटिंग तो हरे कृष्णा कर रहे थे, बट कई बार चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा के सामने जब डांस करते थे तो वो तो क्या बोलते थे, वो क्या बोलते थे सामने डांस करते थे, है हाँ, एक तो श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, यह कौमार हरम, और फिर उसके बाद वही बोलते थे ना, जगन्नाथ महान है, नहीं मैंने बताया था चैतन्य में, जगन्नाथ आप महान है, उसको उसको अपने बंगाली में बोलते थे, पता नहीं क्या बोल गया, पड़गुआ जगन्नाथ, पता नहीं कैसे बोलते थे, एक टर्म है वहाँ पर बोल रहे थे, महान है आप जगन्नाथ, महान है, महान है, बंगाली में मैं भूल गया। एंड ही वॉज डांसिंग, सो इट्स नॉट दैट, आइडिया ये है कि आप मुख से भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते रहो और हृदय से भगवान का स्मरण चलता रहे, बस ये इस तरह से बेस्ट चैंटिंग है। सो देयर बाय ड्राइविंग, तो विरचिता सची शोक हरणा, और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सची माँ के शोक को हरण कर लिया, सची माँ के शोक को, सची माँ को शोक था, विश्वरूप संन्यास ले लिया उनके बड़े बेटे ने, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और मतलब इतने डिस्टर्ब हो गए कि अद्वैचार्य के अगेंस्ट ही बोल दिया उन्होंने, और फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने संन्यास ले लिया, तो सची माँ के शोक को उन्होंने दूर किया कैसे, संन्यास आश्रम में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करके, और ऑफ कोर्स महाप्रभु ने फिर दामोदर पंडित को भी भेजा था सची माँ के पास कि जाके उनको कंसोल करो, और कौन था वो कौन था, ईशान ठाकुर, विष्णुप्रिया भी थी, ईशान ठाकुर जो सर्वेंट थे उनके, महाप्रभु ने उनको बोला कि उनकी केयर करना सची माँ, और महाप्रभु ने भी बोला था सची माँ से कि जब भी तुम भोग लगाओगी मैं ज़रूर उस भोग को स्वीकार करने आऊँगा। That's what he said. उदंचम मार्तंड द्युतिहरा दुकूलांचित कटिही। चैतन्य महाप्रभु कौन थे, चैतन्य महाप्रभु उदंच मार्तंड, जैसे राइजिंग सन होता है, अगर मान लीजिए जो सन उगे उदय हो, और उस तरह से महाप्रभु कॉम्प्लेक्शन था, और मार्तंड और महाप्रभु ने बहुत सुंदर येलो क्लोथ्स पहने हुए थे, और दुकुलान चिता कटी, चैतन्य महाप्रभु के कटी जो है वेस्ट है, वेस्ट पर चैतन्य महाप्रभु ने बेल्ट बांधी हुई थी, और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में डांस करते थे। रूपा गोस्वामी महाप्रभु का वो जो संन्यास आश्रम की जो को जो फॉर्म है, जो रूपा गोस्वामी ने स्वयं विटनेस किया है जगन्नाथपुरी में,
उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको रिमेम्बर कर रहे हैं, और उसको रिमेम्बर करके फिर से देह स देव चैतन्य चैतन्याकृतिर अतीत राम न कृपयति, तो कह रहे हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु आप मुझ पर प्लीज कृपा कीजिए। सो दैट्स इंटरनली डिस्क्राइब कर रहे हैं, इंटरनली क्या चल रहा है उनके अंदर, एक्सटर्नली उनकी ब्यूटी कैसे लोग वर्शिप कर रहे हैं, इंटरनली जो उनका मूड है चैतन्य महाप्रभु का उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं रूपा गोस्वामी। अपारम कस्यापि प्रणयी जन वृंदस्य कुतुकी रसस्तोमम हृत्वा मधुरम उपभोक्तुम कमपीय। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं राधा भाव को एंजॉय, राधा भाव को मतलब उपभोक्ता मतलब खुद उसको एंजॉय किया राधा भाव को, और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। चैतन्य महाप्रभु ये देने आए, चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव हमें देने आए हैं, राधा भाव राधा दास्यम देने आए हैं। तभी कह रहे अपारम कस्यापि, अगर कोई व्यक्ति कस्यापि प्रणयी जन वृंदस्य कुतुकी, अगर कोई व्यक्ति वृंदावन का माधुर्य रस आस्वादन करना चाहता है, और अगर कोई व्यक्ति श्रीमती राधा रानी की मधुरता को समझना चाहता है, उनका प्रेम समझना चाहता है, तो उसको चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी स्वीकार करनी चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और इतने वैष्णव है, मध्वा रामानुजा सब महान है, मगर वो लोग राधा भाव नहीं दे सकते, असंभव है, इम्पॉसिबल है वो। ऑफकोर्स इम्पॉसिबल नहीं दे सकते हैं, बट उनका मिशन ही नहीं है, वो कुछ और देने आए हैं। रुचिम स्वाम आववरे द्युतिम इह तदियम प्रकटयन। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं राधा भाव आस्वादन किया और राधा भाव को प्रकट किया अपने कॉम्प्लेक्शन के द्वारा और अपने हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। राधा भाव है क्या? राधा भाव है हरिनाम संकीर्तन। राधा भाव क्या है? राधा भाव है कृष्ण की सदैव प्रशंसा करना, उनका गुणगान करना, और कुछ है ही नहीं। और क्या, और कोई ऐसा कोई स्पेशल तो है नहीं, कोई जादू हो रहा है। शी इज ऑलवेज ग्लोरीफाइंग कृष्णा, बस उसमें सब कुछ आ जाता है, बस एक सिंपल सी बात है। सेंस ऑफ सेपरेशन से पहले ग्लोरीफाई करना सीख लें मुझे लगता है, क्योंकि आप फिरेंगे चक्कर में ग्लोरीफाई भूल जाओगे, कहीं और चले जाओगे, वो भी बहुत बड़ा है बात है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू ग्लोरीफाई गॉड। धीरे 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 जब अटैचमेंट होगी तब अपने आप सेपरेशन आएगी। आर्टिफिशियली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सब पॉसिबल नहीं है। मतलब कह रहे हैं मैं सेपरेशन हो रही है, मगर अटैच नहीं है ये इसका तो कोई प्रोफाइल लिख रहे हैं, इसको कोई मतलब, इसको कोई सेंस नहीं बनता। सेपरेशन है, सब कुछ है, सबका बेस यही है ग्लोरिफिकेशन, भगवान के गुणगान गाना, ये बेस है एक्चुअली। अनाराध्य प्रीत्या चिरम असुर भाव प्रणयिनाम। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं अनाराध्य प्रीत्या, कौन ऐसा है संसार में जो कि चैतन्य महाप्रभु की आराधना नहीं करता? कौन नहीं करता? अनाराध्य प्रीत्या चिरम असुर भाव प्रणयिनाम, जिनके असुर भाव होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं करते, ध्यानियों ज्ञानियों इधर उधर चले जाते, उनकी फिलॉसफी को समझ नहीं आता। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए, तो साउथ इंडिया में वो गए और ट्रैवलिंग तो की थी नहीं, 2 साल चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि किसी ने स्वीकार ही नहीं की मेरी फिलॉसफी। मतलब हम पढ़ते हैं वैसे महाप्रभु जब गए तो सब हरे कृष्णा बोल रहे थे, बट किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। तभी भक्तिसान ठाकुर ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु जो है उन साउथ इंडियंस बड़े अनफॉर्चुनेट रहे हैं कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को समझ नहीं पाए। आज भी नहीं, आज क्या है, कुछ भी नहीं है साउथ इंडिया में महाप्रभु का, बस 2-3 चरण पादुकाएँ बनी हुई हैं श्रीरंगम में, इधर तो भक्तिसान ठाकुर ने इंस्टॉल की थी, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, सब रिचुअलिस्टिक उसमें पड़े हुए हैं। तो और जो एथिस्टिक लोग हैं वो तो महाप्रभु की फिलॉसफी को स्वीकार करते हैं। प्रपन्ना नाम दैवी प्रकृति मदि देवं त्रि जगति, मगर जो दैवी प्रकृति वाले वो चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी को स्वीकार करते हैं। इवन निम्बार्क संप्रदाय जो है, निम्बार्क संप्रदाय आज पूरी की पूरी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में कन्वर्ट हो चुकी है इंटरनली, क्योंकि वो राधा दास्यम तो मानते ही हैं, मगर उनके पास बुक्स ही नहीं है। बुक्स हैं, वेदांत सूत्र है थोड़ा बहुत,
निंबार्काचार्य, केशव काश्मीरी, ऑडम्बर, पुरुषोत्तम आचार्य, इन्होंने कमेंट्रीज लिखी हैं। बुक्स हैं बट बहुत कम है, डिटेल में नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सारे निंबार्की महाप्रभु की किताब पढ़ते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि वो स्वयं कृष्णा थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया और लक्षण प्रकट किया, वो एक साधारण आदमी तो कर ही नहीं सकता। सो वो कह रहे हैं कि जो जो दैवी प्रकृति वाले हैं वो शरण ले लेंगे महाप्रभु की। अजश्रम ऑफकोर्स शीला प्रभुपाद की कृपा से आसुरी लोग भी आ गए हैं। हम लोग जैसे आसुरी लोग भी एंटर कर गए हैं, हमें भी चांस मिल रहा है। वह दैवी प्रकृति वाले स्पॉन्टेनियसली आ जाएंगे, वो स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये ठीक है। अजश्रम या श्रीमान जयति सहज आनंद मधुरा, तो कह रहे हैं कि अजश्रम यह श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का जो जो ये जो फॉर्म है, चैतन्य मुनि जो रूप लिया है, कृष्ण जो रूप लिया चैतन्य महाप्रभु का, वो सहज आनंद मधुरा, सहज आनंदित है और सहज मधुर है। अगर कोई उसकी शरण लेगा तो उसमें भी सहज आनंद और सहज मधुरता प्रकट हो जाएगी। सहज मतलब क्या होता है? सहज मतलब पता क्या होता है? हाँ, तो वही कह रहे हैं, अगर कोई महाप्रभु की शरण लेगा तो वो रागानुगा भक्ति में एंटर हो जाएगा। गधे भी एंटर हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट ये है कि मतलब मैं सुन रहा था, पता नहीं कौन कह रहा था, चैतन्य प्रभु का मूवमेंट ये है कि चैतन्य प्रभु का मूवमेंट गधों को भी परमहंस बना देते हैं। ये मूवमेंट गधों को भी परमहंस बना देगा, कौओं को भी कोकिल बना देगा, चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है। सो शीला प्रभुपाद ने भी तो तभी हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया, प्रभुपाद नहीं नहीं कहता। ये महाप्रभु का मूवमेंट है। सो हम एक्सेस कर सकते हैं बट वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन चैतन्य प्रभु क्या देने आए हैं, वो हमें समझना है। ये आदमी गिफ्ट तो देता है बट आप गिफ्ट को एक्सेप्ट करके उसको अप्रिशिएट करोगे, समझोगे, तभी तो उस गिफ्ट को आप यूज कर पाओगे, फायदा होगा। गतिर यह पौंड्राना नाम प्रकटिता नवदीप महिमा, तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो हैं जिन्होंने जिन्होंने नवदीप के कुलिन ग्राम में भवेत अलंकुरवन भुवन महितम श्रोत्रियम कुलम, एक महान ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया। उनकी उनकी हिस्ट्री बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप ग्राम में महान ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। उनके फादर मदर, तो फादर का नाम क्या था, मिश्रा, मिश्रा थे ना ये लोग, हाँ मिश्रा, मिश्रा मतलब आपकी सची मिश्रा ही होगी, है ना, मगर उनकी असली गास क्या थी, सची की चक्रवर्ती, सची चक्रवर्ती थी, बाद में मिश्रा बन गई होंगी। सब ब्राह्मण थे और ब्राह्मण थे तो, और उनके घर में मतलब आप अभी भी जाओगे योगपीठ पे तो शिव जी की डीटीज हैं, यू नो लाइक ट्रेडिशनल ब्राह्मण चलते हैं, एकादशी नहीं करते थे, वैष्णव नहीं थे, वे ब्राह्मण्स। और उन्होंने क्या किया, पुनति अंगीकारात भुवि परमहंस आश्रम पदम, वही मैं कह रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप में प्रकट हुए, सची माँ किया, फिर संन्यास आश्रम लिया और फिर परमहंस आश्रम, संन्यास आश्रम को महाप्रभु ने पुनति शुद्ध किया स्वीकार करके, वही मैं कह रहा था ना, उन्होंने स्वीकार किया। जैसे रामायण में लिखा है कि जब कहते हैं ना कि राम राम ने वानप्रस्थ स्वीकार किया, तो उसमें कमेंट्री में लिख रहे हैं कि ये ऑफेंस है कहना राम ने वानप्रस्थ स्वीकार नहीं किया, राम ने वानप्रस्थ आश्रम को शुद्ध किया है, ये कहना ठीक है। या वाल्मीकि रामायण शुरू होती है तो वहाँ पे कहते हैं राम में, आई थिंक नारद मुनि कहते हैं कि राम में ये गुण है, राम में ऐसा गुण है, राम में ऐसा गुण है, राम में राम आकाश की तरह महान है, समुद्र की तरह गंभीर हैं, पृथ्वी की तरह सहन शक्ति है, तो कमेंटेटर्स लिख रहे हैं नहीं ये ठीक नहीं है वो, तो इसको हमें ऐसा कहना चाहिए कि 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 राम की महानता आकाश में है, राम की गंभीरता का लेश मात्र समुद्र में, राम की सहन शक्ति का एक अंश पृथ्वी देवी में, इस तरह हमें उसको समझना चाहिए। हाँ अदरवाइज तो अदरवाइज तो बेइज्जती है राम भगवान की। सो ऐसी जगह कहते हैं राम संन्यास, महाप्रभु ने संन्यास लिया, वो सही नहीं है। महाप्रभु ने संन्यास आश्रम को कृतार्थ किया, परमहंस
पुनाति, पुनाति मतलब प्योरिफाई करना, पुनाति भुवि परमहंस आश्रम पदम सदैव चैतन्य आकृति अतितराम न कृपा होती, ऐसे चैतन्य महाप्रभु मुझ पर कृपा करें। मुखे न अग्रे पीतवा मधुरम इह नामा अमृतम रसम, चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से नाम अमृत का रस की मधुरता पान की और हमें सिखाया कि किस तरह उसको पान करना है। कैसे सिखाया? अपने लक्षणों के द्वारा, दृश्यो द्वारा यस्तम वमति घन बाष्पाम अम्बुमिषत, और फिर जब उसका रस पान किया नाम की महिमा के मधुरिमा का, और फिर उसको दोबारा से उसको बाहर बांटा, किस रूप में बांटा? बाष्प अम्बुम अमिषत, मतलब आंसुओं के रूप, रस पिया तो वो फिर से महाप्रभु के बॉडी से कैसे समझ लो डिस्चार्ज हुआ, आंसुओं के रूप में प्रकट हुआ वो रस। तो चैतन्य प्रभु के आंसू आंसू नहीं थे, वो नाम का रस था। तभी तो चैतन्य प्रभु जब वहाँ जा रहे थे, वृंदावन जा रहे थे, तो बीच में जो 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 पद्मा नदी के इस तरफ रुके नित्यानंद रूपी थे, वहाँ से चिल्लाने लगे नरोत्तम 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 खेतुरी गाँव को देख कर, तो सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो महाप्रभु रोने लगे, तो नित्यानंद प्रभु ने उनके आंसू कलेक्ट कर लिए। नित्यानंद प्रभु उनके आंसू गिरने नहीं देते थे, कलेक्ट कर लेते थे हाथ पे। महाप्रभु ने कहा आंसू पद्मा नदी को दे दो, और जब नरोत्तम आएंगे तो पद्मा नदी नरोत्तम को देंगी। तो वो आंसू नहीं थे, वो नाम के अमृत का रस था जो महाप्रभु कंटिन्यूसली पी रहे थे, और उसको फिर वो महाप्रभु की आंखों से वो ओवरफ्लो हो रहा था। कह सकते हैं कि महाप्रभु की आंखों से आंसू बहते थे, बट वो ठीक नहीं होगा कहना, महाप्रभु के आंसू से भक्ति का रस बहता था। तभी जब भी मचते महाप्रु रोते रहते थे, जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने डांस करते थे, तो सब महाप्रभु के आंसू कलेक्ट कर लेते थे, गिरने नहीं देते थे, और पीते थे आचमन कर लिए। इट इज सो, हमें कैसे पता लगेगा कि हम भी नाम अमृत के रस का पान कर रहे हैं? कैसे पता लगेगा? क्या हो गया? अभी तो बताया, आपके आंसू आ जाएंगे, जब भर जाओगे तो आंसू आ जाएंगे, ओवरफ्लो हो जाओगे आप, बस नहीं आ रहे तो कुछ नहीं कर रहे आप, बेकार हो, दैट्स ऑल। ये जो ग्लास भर जाएगा तो पानी चला जाएगा, यही है मतलब। आई मीन टू से, यू कैन से कि ये सहजिया टाइप से है, बट सहजिया बनती नहीं है ये जितने भी जो सिम्टम्स है हमारे लक्षण है ये गौड़िया वैष्णव के। हाँ, सहजिया लोग वो भी रोते हैं नाम लेके, बट बिना फिलोसफिकल बेसिस के और बिना कोई प्योरिटी के, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो हम लोग, बट इसका मतलब नहीं है कि टीयर्स की कोई वैल्यू नहीं है, वरना शास्त्रों में होता ही क्यों? सो इसलिए जब हम सही से भगवान का नाम ले रहेंगे तो आंखों में आंसू आएंगे, अपने आप आएंगे, देखना अपने आप आ जाएंगे, ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर अभी पूरा भरा नहीं है कंटेनर तो नहीं ओवरफ्लो होगा, मतलब ओवरफ्लो तब होगा। महाप्रभु की आंखों से एक आंसू नहीं, महाप्रभु की आंखों से नदियां बहती, मतलब कृष्णा कर्षा में लिख रहे हैं महाप्रभु की आंखों से एक स्ट्रीम, एक आंसू नहीं, एक एक और एक स्ट्रीम भी नहीं, कई स्ट्रीम्स बहती थी, और इस तरह बहती थी कि जैसे पिचकारी की तरह निकल रही है, ऐसे यहाँ नहीं गिरती थी। और चैतन्य प्रभु जब भजन करते थे तो एक घंटे चैंटिंग के बाद पूरा का पूरा पूल बन जाता था आंसू। सो ये टारगेट है हमारा। ऑफ कोर्स यहाँ तक पहुँचने के लिए चीज़ें हैं, बट पहुँचना यही है हमें, अदरवाइज बहुत बड़ा एक लैक रह जाएगा। महापुरुष जो देने आए वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। भुवि प्रेमनस तत्वम प्रकटितुम उल्लासित तनु, चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू होते थे और उनका उनका जो शरीर है वो उल्लासित रहता था। नहीं, हॉरिकुलेशन वो नहीं, क्या कहते हैं हिंदी में, कैसे कहते हैं, अश्रु कंप, उनकी उनके शरीर में मधुरता का कंप रहता था। और उन्होंने भुवि प्रेमनस तत्वम, और इस तरह उन्होंने प्रेम के तत्व को प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम के तत्व को दो तरीके से प्रकट किया, एक इंस्ट्रक्शन देकर और एक भक्ति के लक्षण देकर, दोनों तरीके से। सिर्फ इंस्ट्रक्शन से नहीं, इंस्ट्रक्शंस देकर आप प्रेम के तत्व को कैसे प्रकट करोगे, कंप्लीशन नहीं है वो।
अपने लक्षण भी दिखाकर चैतन्य प्रभु ने प्रेम के तत्व को प्रकट किया। दो इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए भक्तिचरण ठाकुर कहते थे कि ये जो प्रेम के लक्षण है और जो प्रेम का माधुर्य है वो सहजों की प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तक मतलब वो तो ये भी कहते थे कि सिद्ध प्रणाली उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे गौड़िया वैष्णव की प्रॉपर्टी है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। सदैव चैतन्य कृते रतितराम न कृपया तू, ऐसे चैतन्य आप मुझ पर कृपा करें। तनुम आविष्कुर्वन नव पुरट भासम कटिल सत, वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु की जो उनका फॉर्म एक्सप्लेन कर रहे हैं। तनुम आविष्कुर्वन नव पुरट भासम कटिल सत, कटी मतलब होता है वेस्ट। चैतन्य महाप्रभु अपने वेस्ट पे वो लगाते थे, काउंटर जो है ना बीट पे लगाते हैं, वो अपने वेस्ट पे टांगते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब चैंटिंग करते थे तो बीट्स पे करते थे, बीट्स तो उनकी है बट उनके हाथ पांव कांपते रहते थे, तो इसलिए वो उंगलियों पे ऐसे करते थे, क्योंकि डांस भी करते थे, ऑटोमेटिकली डांस करना शुरू करते थे, तो फिंगर्स पे करते थे और फिर राउंड हो गया तो एक पूरा नीचे कर दिया। इस तरह यूज टू पुट दैट काउंटर। करंग का अलंकार तरुणा गजर राजांचित गति ही, चैतन्य की गति गजराज की तरह होती थी, एलिफेंट गेट था उनका। व्हेन यूज टू वॉक, चैतन्य प्रभु की हाइट कितनी थी, अराउंड 6'9" 7" ना, जितनी लंबे चौड़े, चेस्ट इतनी बड़ी और वेस्ट बिल्कुल थिन, ही वॉज तभी तो मतलब इतने यंग एज कितनी 24 ईयर्स और इतने हैंडसम, तभी तो सरम भट्टाचार्य पागल हो गए, उन्होंने कहा यार तुम्हारा तो फॉल डाउन होने वाला है, तो हमने संन्यास ले लिया, और तुम इतने सुंदर हो, इतनी हाइट है और इतने इतने गोल्डन कॉम्प्लेक्स है, तुम्हारे तो शादी होने वाली, तुमने तो गलत डिसीजन लिया, तुम्हें किसने कहा संन्यास लेने को। तो मैं अपने कहा ठीक है आप, चैतन्य अपने कहा ठीक है मैं तो मूर्ख हूँ। चैतन्य अपने कहा मैंने संन्यास नहीं लिया है, उन्होंने कहा मैंने संन्यास नहीं लिया श्रीपाद, मैं तो कृष्ण की भक्ति करता था, मुझे इतना विरह हो रहा है कृष्ण से, इतना ज़्यादा विरह हो रहा है, इसलिए मैंने घर छोड़ा है, क्योंकि मैं घर में रह नहीं पा रहा कृष्ण के विरह की वजह, इसलिए मैं जगन्नाथपुरी आया हूँ जगन्नाथ जी से के दर्शन करने के लिए, संन्यास आश्रम नहीं है मेरा। तो फिर उन्होंने करम भट्टाचार्य से वेदांत सूत्र जो भी सुना, और फिर सुनने के बाद उन्होंने अपना फॉर्म प्रकट किया, षडभुज रूप प्रकट किया ना करम भट्टाचार्य के सामने, वो उन्होंने प्रणाम किया, ये क्या हो गया, सीधा चैतन्य प्रभु का प्रकट किया, और कृष्ण षडभुज रूप में पहला डायलॉग उन्होंने बोला, सर हम बताना मैं संन्यास के लायक ही या नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है। भगवान भी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ही वॉज नॉट लाइक रूप, हाँ हरे कृष्णा, नहीं वॉज जस्ट सेइंग, तुम बोल रहे थे ना उस दिन, अब बताओ मैं संन्यास के लायक हूँ या नहीं, समझ जाने की स्तुति गाई है, अब ये है अब वो है क्या है जो भी है, चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने उन्होंने चैतन्य महाप्रभु प्रिय भ्यो या शिक्षाम दिशति निज निर्माल्य रुचि भी, चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजें बांटी, एक अपनी शिक्षाएं और महाप्रसाद भगवान का, निज निर्माल्य रुचि भी महाप्रसाद। तो महाप्रभु ने नाम की महिमा बताई और महाप्रसाद की महिमा बताई, तीन महाबल है ना यहाँ, कैसे है वो महाबल, क्या के क्या श्लोक है, भक्त चल रेणु भक्त ओ, भक्त पाद जल भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल है ना, भक्त पद जल भक्त चलन रेणु भक्त पाद जल भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल चैतन्य आपने बताया, तीन महाबल है स्मिता लोका शोकम हरति जगताम यस्य परितो। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देके महाप्रसाद बांट के सिर्फ लोगों को नहीं तारा, स्मिता आलोक अशोकम, चैतन्य महाप्रभु ने स्मित मतलब स्माइल होता है, चैतन्य महाप्रभु अपनी स्माइल से चैतन्य प्रभु दर्शन देते थे, अपनी स्माइल से और अपनी कटाक्ष से लोगों का उद्धार करते थे, चैतन्य प्रभु देख के ही लोगों में प्रेम इन्फ्यूज कर देते थे।
कहाँ जब वृंदावन जा रहे थे तो वो था ना आपका, क्या कहते थे, ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल लोगों को देखा और उनमें प्रेम आ गया। कुछ भी नहीं हुआ, महाप्रभु ने बस देखा और उनको प्रेम कर दिया, जैसे झारखंड के जंगल के तो शेर थे। छोड़ दो, शुद्ध सुन लो, अभी कोई शुद्ध नहीं बना, प्रेम दे दिया उनको, बस एक्सपीरियंस कराया लव का, फिर ख़त्म हो गया होगा। फिर उसके बाद उनको एडवर्टाइजमेंट दे दी ना उनको, फिर उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, फिर उसके बाद किया होगा, हो भी सकता है शुद्ध उनको, कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोग महाप्रभु की मर्सी से कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट हम लोग ऐसा समझते हैं। गिराम तू प्रारंभम कुशल पटलिम पल्लवयति, चैतन्य महाप्रभु, गिराम मतलब स्मिता आलोक का स्माइल से उन्होंने लोगों को तारा, गिराम मतलब स्पीच से, कुशलम पटलिम पल्लवयति, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी स्पीच से सिर्फ एक ही रचना की है, चैतन्य शास्त्रकम। और हम ये नहीं कह सकते महाप्रभु ने एक ही किताब लिखी है, चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों किताबें लिखी हैं, क्योंकि रूपा गोस्वामी उनकी स्पीच ही तो है, रूपा गोस्वामी उनके वॉइस ही हैं। क्या श्लोक क्या है, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापित मेरा भूतले, मनोभिष्टि तो है उनका, उनकी उनका वॉइस है चैतन्य महाप्रभु की वो। सो हम गिराम यहाँ पर षड गोस्वामी भी ले सकते हैं, षड गोस्वामी के द्वारा उन्होंने पल्लव्यति, पल्लव्यति मतलब ब्लॉसमिंग होता है, जैसे फूल खिलता है, उन्होंने गोस्वामी षड गोस्वामी के द्वारा इस रस को प्रस्फुटित किया सिद्धांत के रूप और लोगों को दिया। देखो अब तुम समझ सकते हो, वैसे तो तुम देख रहे हो मेरे सिम्टम्स, देख रहे हो मेरे आंसू, देख रहे हो, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को रस क्या है। ठीक है, ओके, मैं कुछ शब्दों में सिद्धांत के रूप में तुम्हें रस दूंगा, उसको फिर समझ आएगा, उसको एक्सेप्ट कर पाओगे और फिर उसको अपनी लाइफ में ले पाओ। तो ये फिलॉसफी का रोल है, फिलॉसफी रस ही है मगर एक इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक, जिससे हम लोग उसको समझ पाए, उसको ले पाए, ऐसे रॉ फॉर्म में नहीं ले पाएंगे। रॉ फॉर्म में आप जैसे मरकरी होता है, आप मरकरी पी लो तो क्या होगा, मरकरी में मरी तो होता है मर जाओ, कर कर करके मर जाओ, रो रोगे मरकरी। मगर आप उसको उसका भस्म बना लो तो ले सकते हो, आयुर्वेद में नहीं, प्रोसेस है उसको मार के, मरकरी को मार के, तो मारन शोधन होता है, तो करके आप ले लो, आप करोड़ों मतलब हज़ार टैबलेट से मरकरी है, सल्फर है, जो वैसे खा नहीं सकते, सो आप ले सकते हो आप। तो ऐसे ही डायरेक्ट रस हम नहीं ले सकते कंडीशन स्टेज में, हम ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ना उसको समझ आ सकते हैं, क्या उसको लेंगे तो पागल हो जाएंगे हम। वो फिशरमैन को आ तो गया था रस, मछुआरे, वो पागल हुए, उसने कहा मेरे में भूत घुस गया, सूर्यदाम ने बोला मैं ठीक करता हूँ, छापड़ मारा तो ठीक हो गया। सो, हम नहीं उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, ना ले पाएंगे, सो, इसलिए महाप्रभु ने सिद्धांत के रूप में उसको प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ से शुरू करो। पदालंबः क वा प्रणयति नहि प्रेम निवहम, चैतन्य महाप्रभु ने और अपने चरणों के द्वारा लोगों को तारा, कैसे, अपने चरणों में लोगों को शरण देकर चैतन्य महाप्रभु ने संसार के लोगों को तारा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु मुझ पे कृपा करें, नहीं अपने स्माइल, अपने स्पीच और अपने चरण। स्पीच हो गई षड गोस्वामी, है ना, स्माइल क्या है उनकी स्माइल, अगर आप कंपेयर करना चाहो तो किससे करोगे, अगर आप स्माइल को कंपेयर करना चाहो तो किससे करोगे, स्माइल को कंपेयर कर सकते हो आप ये क्या कहते हैं, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, विद्यापति, चंडीदास, बिलमंगला ठाकुर, ये सारे उनकी स्माइल है, क्योंकि उन्होंने इन्होंने सबने रस शास्त्र दिए। गिराम रूपा गोष्ठ गोस्वामी ने सिद्धांत शास्त्र दिए, नहीं स्पीच, स्माइल मतलब रस नहीं, उन्होंने रस शास्त्र दिए। स्मितावलोका, एक्चुअली नाट्य शास्त्र में स्माइल को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, नाट्य में, और स्माइल सबसे मेन चीज़ है। आप कोई भी नाटक सीखोगे और अगर स्माइल नहीं करना आता तो आप नाट्य यूजलेस है, नहीं क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते आप। और भगवान के चरण, चतुर्भुज के चरण किससे कंपेयर कर सकते हैं, पदालंब, चरणों में शरण देकर सारे लोगों को उतार दिया, चरण किससे कंपेयर कर सकते हैं, भक्ति और ठाकुर, भक्ति सिद्धांता, भक्ति भक्ति वेदांता, श्री अश्वोपाध,
उन्होंने सबको महाप्रभु के की शरण दिलाई, ऐसे चैतन्य महाप्रभु मुझ पर जरूर कृपा करें। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कहीं लिखा नहीं है, मैं ही बता रहा हूँ। बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर कोई पढ़े तो। और मतलब मुझे ऐसा लगता है शची शूनु, दैट्स ऑल, ये 8 श्लोक हो गए। अब उसके बाद कह रहे शची शूनु कीर्ति स्तव कनव सौरा भाग्य निबड़ा। हे सची नंदन, शची शूनो कीर्ति स्तव का नव सौराभ्य निबड़ा। वो कह रहे हैं कि वो मान यह प्रीत आत्मा, जो व्यक्ति प्रीति से पठती किल पद्य अष्टकम इदम, ये अष्टकम पढ़ता है और ये कीर्ति गाता है चैतन्य महाप्रभु की, कीर्ति स्तवक स्तवक जो गाता है। सलक्ष्मीवान एतम, वो लक्ष्मीवान हो जाएगा, किससे? भक्ति की लक्ष्मी से पूरित हो जाएगा। निज पद सरोज प्रणीतम, और चैतन्य महाप्रभु की शरण को प्राप्त करेगा। और ददाना कल्याणीम अनुपदम अबाढ़ सुखयतु, और उसको महान सुख की प्राप्ति होगी और उसके जीवन में कल्याण, हमेशा कल्याण होगा, उसके जीवन में कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं अष्टकम पढ़ने की। ये चैतन्य सिस्टम दूसरा टू है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई है कुछ कह रहे हैं? इससे लिंक्ड है ना, बेकार क्वेश्चन है पूछना, नहीं, नहीं, क्योंकि और घटिया मतलब नहीं, नहीं, मैं एक अभी डिफरेंट मूड में हूँ, ये मत पूछना कि चैंटिंग कैसे करनी है, नहीं नहीं वो क्वेश्चन एंटरटेन नहीं है अभी। हाँ, जैसे प्रभु जी आपने पहले बता रहे थे, जैसे अभी जैसे हम माला करते हैं और चैंटिंग की नहीं, मतलब आपने पॉइंट माला करते हैं तो हम तो जैसे उस पर फोकस करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं हम उसको सुने, पर जो जो अंदर जो भगवान की लीला है आप जो आप कह रहे थे कि वो नहीं आ रहा, उसके वो कैसे आएगा? पता नहीं कैसे है, मतलब जैसे आप हम उस पर तो फोकस करते हैं जो हम बोल रहे हैं। आप पढ़ोगे तो जब आप किसी पढ़ोगे कुछ सोचोगे तब आएगा, ऐसे तो आएगा। और सिर्फ वो भी बात नहीं है, टाइम भी लगता है, प्योरिटी भी चाहिए, इतनी आसानी से नहीं आती चीजें। आप लोग सबसे पहले जैसे क्यों बोलते हो? अच्छा, आप भी जैसे, आप भी जैसे, जैसे क्या है? उसके बाद वैसे भी तो लगाना पड़ेगा। आप जैसे जैसे प्रभु जी है तो मैं क्या बोलूँ वैसे ऐसे है, तो कोई सेंस नहीं होता ना। बोलो अभी इन लोग के घर में जैसे अब चलो बोलो शिव जी का मंदिर आपने बताया है, तो वो लोग कैसे उसको जस्टिफाई, मतलब कैसे उसको एक सेकंड रुको, कोई अच्छा क्वेश्चन है? नहीं है। एक सेकंड रुको, कोई डीप क्वेश्चन है किसी का? एक इससे लिंक, आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ मुझे पता है, आप ये उपटांग उस फिलोसफिकल होगा चलो पूछ। आपने बताया कि जो उनके इमोशंस हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में, हाँ हाँ इंस्ट्रक्शंस में दिए हैं, नहीं नहीं सारे इमोशंस रस को आप पूरे सिद्धांत में कैप्चर नहीं कर सकते, तभी तो चैतन्य प्रभु ने अपनी फिलॉसफी में अचिंत्य लगा दिया। अच्छा। एक पॉइंट के बाद सिद्धांत कैप्चर नहीं कर सकता, सिद्धांत तो एंट्रेंस दिला सकता है बस, आपको एक झलक दे सकता है, उसके बाद आपकी पर्सनल रियलाइजेशन से, फिर उस हरिनाम से, फिर उसके बाद जो भी है प्योरिटी से, फिर उसके बाद आप और आगे जा सकते, एक लिमिट है, बट एंट्रेंस हो ही है। आप गेट से एंटर करोगे, गेट आप देखोगे कितना सुंदर कितना अच्छा है, नहीं आप किसी बिल्डिंग में जाओगे इतना इम्प्रेस, गेट देख के भी नहीं, लाइक गोल्ड लगा हुआ है, वुड का गेट है ये, फिर गेट से अंदर जाओगे तो माय गॉड क्या निकला। नहीं, गेट से सिर्फ आप नहीं पता लगा सकते अंदर क्या है, मगर थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हो, किसके मतलब किसी के किसी घर जाओ उसका गेट एल्युमिनियम का है, पता लगाते हो यार लेवल क्या होगा, किसी के जाओ ऐसे टूटा फूटा गेट है आपको पता लग जाएगा अंदर क्या है, किसी के जाओ भैया टीक वुड का गेट है कुछ तो है, किसी गोल्ड का ही गेट कहोगे ये तो फिर तो कुछ और ही निकलेगा, बस ये है। तो सिद्धांत से आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। जीव गोस्वामी लिख रहे हैं सिद्धांत एक गेट की तरह एंट्रेंस मिलेगी,
और उसके जो गार्ड्स हैं वो सनातन और रूपा गोस्वामी। सो बट अब अंदर जाओगे तब आपको फिर दिखाई देगा। सब मर्जी से ही होता है, खा पी के नहीं होता, मर्जी से ही होता है। मर्सी कैसे आती है? मर्सी आती है प्योर माइंड से, मर्सी आती है थोड़ा सिंपल हार्ट हो से मर्सी आती है, ये भी बात है। फुलिश हार्ट नहीं, सिंपल हार्ट। अभी प्रभु जी आपने जो बताया कि निम्बार्क संप्रदाय के लोग वो गौड़ीय वैष्णव हो चुके हैं और वो वही फिलॉसफी काफी, हाँ, तो क्या ये शुरू से ऐसे था या टाइम के साथ साथ चेंज हो गया है, वो और कन्विंस हो गए हैं गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी? हाँ, उनकी टाइम के साथ हो गया वो कन्विंस, उनकी बुक्स है ही नहीं ज़्यादा, कुछ खो गई हैं सब, काफ़ी कुछ फिलॉसफिकल बेसिस उनका नहीं है ज़्यादा, तो फिर वो लोग पढ़ते रहे, क्योंकि वो सूर्य नीम गांव में रहते हैं सारे, और सूर्य कुंड में हमारा गौड़ीय वैष्णव है तो पास ही पास हैं, तो फिर वो पढ़ने लगे, क्योंकि राधा दास्यम दिखाई, फिर वो आ गए यहाँ पर। ऐसे हुए, ऐसे भी डिक्लाइन कर रही है निम्बार्क संप्रदाय, कहाँ क्या कोई है ही नहीं, ये हो गया। महाप्रभु साउथ इंडिया गए, तो साउथ इंडियंस जो होते हैं मेनली वो सतगुण में होते हैं, तो मतलब सतगुण में होते हुए भी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, इसमें कुछ भगवान की मतलब लीला है या कुछ उन्हें कमी रहे होगी, वाई दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट, इतना प्योर फिलॉसफी, इतना मतलब इतना हाई, किसको जो साउथ इंडियंस में, जबकि वो नहीं कर पाए, रिचुअलिस्टिक ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाए, रिचुअल्स में ना ज़्यादा, तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं रिचुअल्स में है, मगर जब आदमी रिचुअल्स में अटका होता है तो लव की फिलॉसफी समझ नहीं पाता, इसलिए वो ले नहीं पाए। ठीक है, चलो, है ना, हाँ, तभी तो मैं कह रहा था जो आपने कल, अभी तो आपने जो कल किया था परायण, वो एक टिपिकल साउथ इंडियन रिचुअल था, उसकी पता नहीं क्या वैल्यू है, नहीं भी है, हम भी करते, ऐसी बात नहीं, वैल्यू तो होती है, नए लोगों के लिए तो बहुत वैल्यू है ना, करते हैं साथ में तो एक, बट अल्टीमेटली रिचुअल ही है। रिचुअल्स ख़राब नहीं होते अगर उसको अंडरस्टैंडिंग से किया जाए, रिचुअल बनाए इसलिए आते हैं, साउथ इंडिया उसी में फंसा पड़ा है, उसकी पीछे क्या है पता ही नहीं लग रहा उनको। सिंपल हार्ट तो सिंपल हार्ट मतलब ये होता है कि जैसे आपने इस जो आपके लेक्चर चल रहे थे इसमें तो आपने बताया था कि वैष्णव को जो स्ट्रांगेस्ट पॉइंट होता है वीक पॉइंट इज देयर देयर स्ट्रांगेस्ट पॉइंट, तो मतलब जब आपने अपने वीक पॉइंट्स को समझोगे, उसको सबको बताओगे, तो दैट इज लाइक ए सिंपल हार्ट, सबको बताना थोड़े ना, मतलब आई डोंट नो, अपने वीक पॉइंट दोरा थोड़ा ना पीट दोगे, मतलब खुद समझो, आप एक्सेप्ट कर लो, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्ट। हां हां, तो दैट इज मिसिंग ओवर देयर because they were more into छोड़ वो पता नहीं क्या है उनका, हम तो ऐसे नहीं ना गुरुजी, मतलब हम भी अपने एक्सेप्ट नहीं करते, सिंपल हार्ट बनने के लिए पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए। हां बस वो ही है, वो तो सब जगह ही मिसिंग है सिंपल हार्ट, तो बनाट का है नहीं ना, तभी तो हम ऐसे। चलो ठीक है, हरे कृष्ण, शिव प्रभुपाद की जय।